गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक अगेन वी विल डिस्कस विद यू, लाइंस एंड एंगल। कुछ क्वेश्चंस आपके 9.2 एक्सरसाइज के रह गए थे, टुडे आई एम टेकिंग दोज क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट रह गया था, सो यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 8 द थर्ड पार्ट। इट इज गिवन बिकॉज इन द फिगर इट इज ऑलरेडी मेंशन that calculate the measure of each lettered angle in the following figure. Parallel line segment and rays are denoted by thick matching arrows. आपके पास कुछ line segments थे, कुछ rays थी और यहाँ पर कुछ parallel lines थी। तो third figure में आपको parallel lines draw की हुई है। figure में you will see the line, ये ray है और यहां पर अगेन टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टेड एंड दे आर पैरेलल। यहां पर पैरेलल का साइन भी बना हुआ था, यहां पर इस तरह से पैरेलल का साइन भी शो है और एंगल आपको ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और आपके पास वन एंगल इज गिवन यू 75 डिग्री and you have to find the lettered angle A, B, C and D. You have to find out the lettered angle A, B, C and D. आपको ये चार एंगल जो हैं इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। तो हाउ यू विल फाइंड, मैंने आपको मेथड बताया था कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, अगर इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट साइड्स पर जो एंगल बने हुए होते हैं दे आर पैरेलल टू वन अनदर, वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी नॉट पैरेलल टू वन अनदर, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका एंगल बी और 75, इसका क्या रिलेशन है, दे आर, नोट करते जाओ सब बच्चे साथ साथ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको एक एंगल तो आपने फाइंड कर दिया, चार एंगल आपको फाइंड करने हैं ए बी सी और डी। बी तो आपका फाइंड हो गया और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप ए कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही सिंपल है, ये एक लाइन है और ये रे इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं These are forming the linear pair. तो यहां पर लिखो A plus 75, second angle find करेंगे, equal to 180, forming linear pair. तो A की value क्या आ जाएगी, 180 minus 75, it is equal to 105 degree. अब आपका angle A भी find हो गया। अब रह गया C और D. अब अगर ये यहां पर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये दो एंगल आपस में जो बन रहे हैं ये कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों ऊपर की तरफ जो एक ही तरफ सेम साइड्स पर जो दो एंगल बने हुए हैं ये कैसे एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और सी और डी का क्या रिलेशन है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्थ में यहां पर लिख रही हूं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल सी अगर आपका 75 है तो डी इज ऑल्सो इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये चारों एंगल हमने वन बाय वन फाइंड किए हैं। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी आपको दोबारा से कर देती हूं मैं। इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना था, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दो एंगल का क्या रिलेशन है, ये दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेकेंड ए और 75,
ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो दीज आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 105 डिग्री। अब आपको सी और डी फाइंड करना था, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल। नाउ सी और डी का क्या रिलेशन था लास्ट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आपका सी एंगल 75 डिग्री का है देन डी इज ऑल्सो इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ जो है उसमें आपको कुछ एंगल्स बने हुए दे रखे हैं पैरेलल लाइंस पर, आपको ये शो करना है कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं और किस तरह से कौन सा रिलेशन फॉलो करके कौन यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन एंगल का हो रहा है, वो देख के आपको चेक करके ये बताना है कि हाउ द टू लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अब आपको ये शो करना है कि क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एल एम के पैरेलल और क्या क्या गिने वो जो हो रहे थे 106 और 64, 106 डिग्री और 64 डिग्री। तो ये अगर दो लाइनें पैरेलल तब हो सकती हैं जब ये दोनों एंगल का सम जो है वो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल दोनों अंदर की साइड हैं, तो 106 प्लस 64 जब आप करते हो तो ये आपका 170 आ रहा है। 180 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ये 180 के इक्वल नहीं है, ये एंगल 106 और 64 डिग्री इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज नॉट फॉर्मिंग, रीजन भी लिखना है साथ में, इट इज नॉट फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल। तो ये को इंटीरियर एंगल भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, सो ए एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल का साइन डाल के उसको क्रॉस कर दिया है कि ये एल जो है एम के पैरेलल नहीं है। तो पहले फिगर को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो मैंने आपको करके दिखाया। नाउ सी द सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में ये दो लाइंस आपके यहां पर बनी हुई हैं और एक ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एंगल 75 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का है। ये यहां नहीं बना हुआ, अंदर की साइड बना हुआ है, अगर ये यहां होता फिर तो ये लाइनें पैरेलल होती क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाते। ये और ये का रिलेशन क्या है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाते अगर यहाँ ये एंगल गिवन होता, बट ये एंगल हमें यहाँ गिवन है 75 डिग्री, तो ये अगर ये 75 है तो ये यहाँ पर अगर 75 होता तो भी हम कह सकते थे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन अब कोई भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी रूल जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है कि हम लाइंस पैरेलल कर पाए, क्योंकि अगर मैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी करती हूँ, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं क्योंकि ये दो रे इसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एंगल वन जो है 75 डिग्री। अब इन दोनों को एड करके देखते हैं, 75 प्लस 75 इट इज नॉट इक्वल टू 180, तो को इंटीरियर भी फॉर्म नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी नहीं फॉलो कर रहे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी फॉलो नहीं कर रहे, तो कोई भी रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो कोई भी रूल अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये लाइन्स पैरेलल नहीं है। तो पहले मैंने एंगल वन जो है यहाँ पर लिखा, ये 75 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर 75 में 75 प्लस करके देखा तो ये आ रहा है 150 180 के बराबर नहीं है,
तो को इंटीरियर भी फॉर्म नहीं हो रहा। ये मैंने 75 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा आपको शेड पड़ रहा होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये मैंने यहाँ पर 75 लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर को इंटीरियर दीज आर नॉट फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल, तो ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म नहीं कर रहा, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा, एल इज नेम भी दे सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हो नो इट इज दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये था आपका सेकंड। नाउ थर्ड देखो, फर्स्ट आपने नोट कर लिया होगा, थर्ड में आपको क्या दे रखा है, थर्ड फिगर में साथ साथ नोट करते जाओ ये, फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आज आपको कराएंगे इस एक्सरसाइज के, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और मेन फोकस यू हैव टू गिवन द एमसीक्यूज क्वेश्चन, ओके। एलएम के पैरेलल है या नहीं, अगर आपके पास इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एंगल 57 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, और ये वाला एंगल 123 डिग्री दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो हम इसे पैरेलल प्रूव करने के लिए ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंगल फॉर्मेशन यहां पर हो रही है। ये अगर 56 डिग्री का है तो ये एंगल हमारा एंगल वन जो है, यहां पर एंगल वन जो है वो भी 57 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, रीजन बता रही हूं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों एंगल 1 और 123, एंगल 157 है और एंगल ये 123, इन दोनों को ऐड करके देखो ये 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो लाइनों से अगर ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं अंदर की साइड, कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, या तो अल्टरनेट इंटीरियर होती या अल्टरनेट एक्सटीरियर होगी या कॉरेस्पॉन्डिंग होगी और लास्टली को इंटीरियर होगी। तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर यू कैन से अगर ये 180 आ रहा है तो यहाँ पर लिखो दीज टू लाइन्स फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल, ये आपको सब लिखना है। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स एल इज पैरेलल टू एम, तो आंसर यहाँ पर यस लिख देना कि यस एल इज पैरेलल टू एम। तो ये एक्सरसाइज आपकी 9.2 तो ओवर हो गई है। नाउ आई एम टेकिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड सी केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस। पहले आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये आप खुद फिल करके देखना, जो नहीं आपको आएगा तो टुमारो इन द क्लास वी विल डिस्कस। और मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं पेज नंबर 196 पर आपके गिवन है, तो हम वो क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पेज 196 पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है ध्यान से देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मतलब कि दे रखा है, एज पर द बुक ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपके पास चार पेयर दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब आप इसे मुझे बताओगे कि कौन सा पेयर करेक्ट है, 35 डिग्री एंड 55 डिग्री, और सी ऑप्शन है 25 डिग्री एंड 75 डिग्री, और डी ऑप्शन है 27 डिग्री और 53 डिग्री। आपको क्या बताना है, आपको इन सब में से देख के बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये। स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या देखना था, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शन हियर, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। नंबर वन है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री,
नंबर टू है 35 डिग्री एंड 55 डिग्री, नंबर थ्री है 25 डिग्री एंड 75 डिग्री, और फोर्थ है 27 एंड 53। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना था कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन, ये कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा मतलब कि फॉर्म कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90, दोज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर सबको आप प्लस करके देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो का सम, जिन दो एंगल का मेजर जो है 90 आना चाहिए, इन दो को प्लस करेंगे 130 में 50, तो ये आपका आता है 180। तो ये तो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं। और ये है 35 प्लस 55, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, ये आपका 90 आ रहा है। इट मींस आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और सी को भी प्लस करके देख लो, 25 प्लस 75, ये आपका आ रहा है 100, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और लास्टली है 27 और 53, इन दोनों को भी प्लस करके देखो, ये आपका आ रहा है 80। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिन दो एंगल का सम 90 आए दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पेज नंबर 196 के सारे क्वेश्चंस हैं। यू विल ओपन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं पहले ये बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास फोर ऑप्शंस आर गिवन। नंबर वन ऑप्शन इज 55 डिग्री एंड 115 डिग्री। आप इन दोनों को प्लस करके देखो, 55 प्लस 115, ये आ रहा है आपका 170। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाउ सी द सेकंड ऑप्शन, 65 एंड 125, इन दोनों को आप प्लस करके देखो कि क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है। 65 प्लस 125, ये आ रहा है आपका 190, और आपको कितना चाहिए, 180 चाहिए, तो इट इज आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ सी द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज 47 डिग्री एंड 133 डिग्री। यहाँ पर डिग्री भी लगाने हैं क्योंकि एंगल गिवन है। 47 प्लस 133, ये आपका आ रहा है 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन डी भी हम चेक कर लेते हैं, डी दे रखा है आपको 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हो तो देयर एंगल मेजर इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट है। तो आप जब भी आप टिक लगाते हो एमसीक्यू उस क्वेश्चन पर, तो यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व इट इन योर रफ नोटबुक एंड देन यू हैव टू टिक डाउन यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है, वो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन,
सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है, पहले फर्स्ट आई विल राइट डाउन द स्टेटमेंट. इन द सिक्स्थ क्वेश्चन इट इज गिवन, इफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ ए सप्लीमेंट, इफ एन एंगल इज, ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देन द मेजर ऑफ द एंगल, देन द मेजर ऑफ द एंगल, यू हैव गिवन द फोर ऑप्शन. नंबर वन इज 45 degree, नंबर बी इज 30 degree, एंड नंबर सी इज 135 degree, एंड नंबर डी इज लास्ट ऑप्शन दे रखा है 150 degree. तो आप इस क्वेश्चन को पहले कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. यू हैव टू सी इफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट. सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इफ वन एंगल इज, यहां पर लिखो इफ, लेट कर लो, इफ वन एंगल इज एक्स डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट अगर मुझे निकालना है, तो कभी भी सप्लीमेंट निकालना हो तो मान लो यहाँ पर अगर एक एंगल 120 है तो उसका सप्लीमेंट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं 180 में से उसका सप्लीमेंट माइनस करके जो एंगल गिवन है, वी कैन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल. तो 180 में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूं तो ये हमारा उस एंगल का सप्लीमेंट आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, अगर एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट एंगल का 1/3 है, तो उस एंगल का मेजर क्या होगा. तो हम, ये हमारी इक्वेशन बन गई. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम x इक्वल टू 180 को 1/3 से भी मल्टीप्लाई करना है और x को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना है. तो x को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 जा x और 3 का 3 रहेगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, तो 180 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, हमारा 60 आ गया. तो x इक्वल टू 60 - x/3. अब माइनस एक्स अपॉन 3 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम. अब मैंने x और x प्लस 3 को प्लस करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, 3 से 3 कट गया, प्लस x, 3x में 1x प्लस करेंगे, 4x, और ये 1x है. जब x के आगे न्यूमेरिकल वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना दे रखा हो तो यू कैन पुट हियर 1. ठीक है, 3x में 1x प्लस किया तो 4x/3 = 60. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इक्वल टू 60 को 3 से मल्टीप्लाई और 4x को 1 से मल्टीप्लाई. 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया 4x और 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 180 आ गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 180/4. ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर 5x लिखा है तो मतलब क्या है, 5 × x. 4x लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, 4x लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, 4 × x. तो 4 से मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16, 2 बच गया रिमाइंडर और 0 कैरी किया, 4 × 5 = 20. तो वो एंगल का मेजर क्या है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. यू प्लीज बी नोट, आप इस क्वेश्चन को नोट करो अपनी कॉपी पे. आई विल गिव यू 1 or 2 minutes, देन वी विल सॉल्व योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नोट कर लो। मैं क्वेश्चन वो कर रही हूँ, तब कर रही हूँ, तब तक आप इसका सोल्यूशन जो है नोट कर लो। नाउ सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख रही हूँ। फर्स्ट द स्टेटमेंट इज गिवन इन द बुक इफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी अपने सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन किया था और अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट वाला। देखो अगर एक एंगल को x लेट करेंगे, अगर सप्लीमेंट फाइंड करना होता है तो 180 में से माइनस करना होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो 90 में से माइनस करना होता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप। इफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द मेजर ऑफ द एंगल, देन द मेजर ऑफ द एंगल। और ऑप्शन यू हैव गिवन, नंबर वन इज 40 डिग्री, नंबर टू इज 55 डिग्री और नंबर थ्री इज 35 डिग्री और डी ऑप्शन इज गिवन यू 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट है? तो हम सॉल्व करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, लेट कर लेते हैं। लेट एंगल बी, एन एंगल बी एक्स डिग्री। अगर एक एंगल आपका एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं 90 में से माइनस करूंगी। ठीक है, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स। अब एज पर द इक्वेशन क्या क्या रखा है, एन एंगल इज, एक एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री मोर देन है। मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 10 डिग्री ज्यादा है, इस एंगल से 10 डिग्री ज्यादा है। 10 डिग्री ज्यादा का मतलब, मोर देन का मतलब प्लस 10। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम x को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस x को, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और 90 प्लस 10 क्या हो गया आपका 100, और 1x में 1x प्लस किया तो आपका क्या आ गया 2x। मैंने आपको बताया था अगर एक वेरिएबल के आगे कोई न्यूमेरिकल डिजिट ना हो तो यू कैन पुट हियर 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 2x इक्वल टू 100। अब 2 अगर मुझे यहाँ से हटाना है, अगर हमें 2 यहाँ से हटाना है तो हम किस तरह से हटाएंगे इस 2 को, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 100 को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 50 आ गया। तो वो एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 50 डिग्री उसका क्या है, मेजर है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझा देती हूँ और यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक आल्सो। फिर से दोबारा ये क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, एक एंगल 10 डिग्री मोर देन है इट्स कॉम्प्लीमेंट से। पहले तो आपको उस एंगल का, अगर मैंने एंगल एक्स लेट किया अगर एक कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो उसका एनदर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से माइनस करके हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब ये जो एंगल था एक्स, ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री ज्यादा था, 10 डिग्री ज्यादा का मतलब प्लस 10। अब हमने क्या किया, माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज किया तो प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90 प्लस 10 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
100 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 50. तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. अभी मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में बताया था. इफ वन एंगल ऑफ द लीनियर पेयर इज एक्यूट, इसको टिक लगा लेना. अगर लीनियर पेयर में एक एंगल अक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. लीनियर पेयर पहले क्या होता है, अगर एक रे एक लाइन को एक अनदर रे कट कर रही है तो उससे जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उसे कहते हैं लीनियर पेयर. अगर एक एंगल आपका 60 डिग्री है, एक एंगल अगर एक्यूट है, एक्यूट का मतलब जिसका मेजर 90 से कम हो, लेस देन 90 हो, तो दूसरा एंगल उसका कितना होगा, ऑब्ट्यूस होगा, रिफ्लेक्स होगा, या राइट होगा, या ऑप्शन और कौन सा दे रखा है, स्ट्रेट होगा. तो कौन सा एंगल दूसरा होगा, तो 180 में से अगर मैं 60 माइनस करूं तो दूसरा एंगल अगर एक एक्यूट है तो दूसरा एंगल उसका ऑब्ट्यूस होगा. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. आपके 8th क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल उसका क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा. और अगर एक एंगल राइट आ जाता है यहाँ पर, राइट का मतलब एक अगर 90 है तो दूसरा भी क्या होता, राइट. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. और अगर एक ऑब्ट्यूस है, अगर ये दिया होता तो ये लिखते, ये दिया हुआ है तो ये लिखोगे. समझ आया कंसेप्ट, क्लियर हुआ आपका ये. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन द क्वेश्चन नंबर 9 इट इज गिवन, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फिगर बनी हुई है. AOB इज ए स्ट्रेट लाइन और x की वैल्यू निकालनी है आपको. ये एंगल दे रखा है 2x माइनस 10 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 3x प्लस 15 डिग्री. अब ये एक स्ट्रेट लाइन को अगर एक रे कट कर रही है, ये वाली रे अगर कैंसल कर रही है, तो दो एंगल जो फॉर्म हुए हैं 3x प्लस 15 और 2x माइनस 10, ये दोनों एंगल को जब हमने प्लस कर दिया तो ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 के इक्वल होगा, फॉर्मिंग लीनियर के. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आपको अप टू 9 10 तक भी आपके ये सारे यूज होते हैं. नाउ 3x में 2x प्लस करेंगे इट इज इक्वल टू 5x और 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 5. अब 180 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया और ये 5 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 5. ठीक है, तो अब हम 5x इक्वल टू 175, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 175 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या निकल आई आपकी, 35. अब आपको क्वेश्चन में यहां पर चार ऑप्शन दे रखे थे. फर्स्ट में a दे रखा था x इक्वल टू 40, बी में दे रखा था x इक्वल टू 35, तो आपका 35 ही निकला है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है इस क्वेश्चन में, करेक्ट है. और सी दे रखा था x इक्वल टू 30 और डी दे रखा था आपको x इक्वल टू 25. ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. विच वन इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 35. We have to find in this question the value of. Now today we complete our MCQs up to question number 9 तक हमने complete किए हैं. You also
ट्राई इन योर नोटबुक, आपने ट्राई करने हैं बाकी क्वेश्चन, बट टुमारो आई विल टेक दोज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड यू ऑल्सो हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट, बिकॉज आपका टाइम होने वाला है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. यस देव शर्मा, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी. मानिका, यस मानिका, ऑन आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए और क्वेश्चन पुट कीजिए. मानिका, फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी